हेलो स्टूडेंट, ये क्लास डीआरटी फर्स्ट ईयर के लिए है, जिसमें अपना सब्जेक्ट है रेडियोग्राफी फर्स्ट पोजिशनिंग। अपना टॉपिक चल रहा है स्कल रेडियोग्राफी, यानी स्कल की रेडियोग्राफी। अपन ने पिछले लेक्चर में स्कल्स के व्यू पढ़े थे, आज आगे अपने इसको कंटिन्यू करते हैं। आज का अपना व्यू है टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, यानी टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट्स के लिए आज अपने व्यू करेंगे। देखो, नाम से पता चल रहा है टेम्पोरल और मैंडिबुलर बोन का जॉइंट, जिसको अपने क्या बोलेंगे, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। सबसे पहले अपने इसके एनाटॉमी की बात करते हैं। एनाटॉमी क्या है? टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट इज ए साइनोवियल जॉइंट। ये कौन सा जॉइंट होता है? साइनोवियल जॉइंट। इट इज फॉर्म्ड बाई मैंडिबुलर कोंडाइल आर्टिकुलेटिंग विद मैंडिबुलर फोसा ऑफ टेम्पोरल बोन। ये किससे मिलके बनता है? मैंडिबुलर कोंडाइल से और मैंडिबुलर फोसा, जो कि टेम्पोरल बोन में जुड़ता है, उन दोनों से मिलके क्या है अपना टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल जॉइंट बनता है। द जॉइंट इज पाल्पेबल। जॉइंट क्या होता है? पाल्पेबल होता है, यानी जिसको अपने हाथ लगा के क्या फील कर सकते हैं। जैसे अपने की ये मैंडिबुलर और टेम्पोरल बोन के बीच में एक्सटर्नल ऑडिटोरी मीटर्स के जस्ट आगे जॉइंट्स होता है। अपने यहां हाथ लगा के जब माउथ को ओपन और क्लोज करते हैं तो ये जॉइंट्स हिलता है। तो ये कौन सा जॉइंट होता है? टेम्पो मैंडिबुलर जॉइंट। ये देखो दिखाया गया है, ये अपनी क्या है, टेम्पोरल बोन है और ये मैंडिबल बोन है। ये दोनों आपस में जहां जुड़ रही है वो क्या होता है? टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। या अपने इसको बोलते हैं टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट। और ये क्या है? ईयर केनाल, जो अपनी ईयर्स होता है उसके जो अंदर का छेद होता है ईयर केनाल, वो होता है ये। और इसके जस्ट आगे क्या है? ये जॉइंट होता है। इसको अपने हाथ लगा के भी फील कर सकते हैं। तो एक स्कल में कितने जॉइंट हो गए? टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, दो जॉइंट। ये दोनों साइड में होते हैं एक एक। ये देखो नेक्स्ट डायग्राम में आपको दिखाया गया है, ये क्या है? मैंडिबल बोन है और ये ऊपर क्या है? टेम्पोरल बोन है। ये क्या है? मसल्स है जो माउथ को ओपन और क्लोज होने में हेल्प करती है। ये देखो यहां दिखाया गया है, ये कोंडाइल्स है, ये जो नर्व सप्लाई है, और ये क्या है? ईयर केनाल आ गई इसके पास में, और ये ऊपर क्या है? टेम्पोरल बोन, जिसके अंदर क्या है? ये कोंडाइल्स, यानी मैंडिबल बोन का पार्ट जुड़ रहा है। तो ये कौन सा जॉइंट बन गया? टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। आगे अपने इसके व्यू स्टार्ट करते हैं। तो इसके व्यू कौन कौन से हैं? लेटरल ओब्लिक व्यू, और दूसरा कौन सा है? एपी, जिसको अपने क्या बोलते हैं, फ्रंटो ऑक्सीपिटल व्यू। लेटरल ओब्लिक व्यू जो क्या होता है, ओपन माउथ और क्लोज माउथ दो कंडीशंस में होगा, और इसमें क्या 25 डिग्री काउडियल एंगल रहेगा। और जो एपी व्यू है, फ्रंटो ऑक्सीपिटल व्यू, ये भी क्या ओपन माउथ में होगा और इसमें क्या 35 डिग्री काउडियल एंगल रहता है। अब अपने स्टार्ट करते हैं पहला व्यू, लेटरल ओब्लिक व्यू, ओपन माउथ एंड क्लोज माउथ 25 डिग्री काउडियल एंगल। इसके इंडिकेशंस क्या है? टू डेमोस्ट्रेट द ट्रोमा एंड पैथोलॉजीज कंडीशन। ट्रोमा और पैथोलॉजीज कंडीशन को देखने के लिए किसकी? टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट की। नेक्स्ट अपने बात करते हैं कैसेट साइज की। कैसेट साइज क्या रहता है? 8 10 और 10 12। अब नेक्स्ट अपने बात करते हैं पोजीशन ऑफ पेशेंट। पेशेंट की पोजीशन क्या रहनी चाहिए? तो पेशेंट प्रोन ऑन द टेबल। पेशेंट क्या है? टेबल पे प्रोन लेटेगा। हेड इज रोटेट टू आइदर साइड।
सो अफेक्टेड साइड कनेक्ट विद द कैसेट, क्या जो अफेक्टेड साइड है वो कैसेट के कांटेक्ट में रहनी चाहिए, टच में रहनी चाहिए। अपने पहले पेशेंट को क्या किया, प्रोन टेबल पे लेटा दिया। अब उसके फेस को लेफ्ट या राइट साइड में रोटेट करेंगे, जो अपनी अफेक्टेड साइड है वो कैसेट के टच में रहेगी। पेशेंट मिडल सजाइटल प्लेन इज पैरेलल टू द टेबल, पेशेंट का मिडल सजाइटल प्लेन क्या होता है, टेबल के पैरेलल रहेगा। इंट्रा ऑर्बिटल लाइन इज परपेंडिकुलर टू द टेबल, जो पेशेंट की इंट्रा ऑर्बिटल लाइन है वो क्या है, टेबल के परपेंडिकुलर रहती है। इंट्रा ऑर्बिटल लाइन कौन सी होगी, दोनों ऑर्बिट्स को आपस में मिलाने वाली लाइन। उसके बाद रोटेट द हेड स्लाइटली डाउनवर्ड्स, सॉरी फॉरवर्ड्स और डाउनवर्ड्स अंटिल द चिन एंड चीक आर कॉन्टेक्ट विद द फिल्म। अब अपने क्या करेंगे, हेड को हल्का सा नीचे की तरफ या आगे की तरफ करेंगे, ताकि क्या जो अपने चीक और चिन ये दोनों क्या है, फिल्म के टच में रहने चाहिए, जिससे क्या है पेशेंट की ओब्लिक पोजिशन बन जाएगी। पहले अपन ने क्या, पेशेंट को लेटरल पोजिशन में लाए, प्रोन लेटाने के बाद हेड को रोटेट किया, क्या है पेशेंट की लेटरल पोजिशन हो गई। उसके बाद पेशेंट के क्या करते हैं, हल्का सा फॉरवर्ड या डाउनवर्ड करेंगे, ताकि उसके चिन और चीक क्या है कैसेट के टच में आ जाए, जिससे क्या ओब्लिक पोजिशन होगी। तो कौन सा व्यू हो गया अपना, लेटरल ओब्लिक व्यू। अब आगे देखो, इसमें क्या है टू व्यूज होते हैं, ओपन माउथ और क्लोज माउथ, मैंने आपको बताया था। तो टू व्यूज आर टेकन फॉर ईच साइड, अपने दोनों साइड्स का व्यू ले रहे हैं, तो ओपन माउथ और क्लोज माउथ दोनों व्यू लेते हैं। अगर अपने सिंगल टेम्पोरोमेंडिबुलर जॉइंट का व्यू ले रहे हैं, तो अभी अपने क्या है ओपन माउथ और क्लोज माउथ दोनों व्यू करेंगे। तो ओपन माउथ में क्या करते हैं, देखो द माउथ ओपन एज मच एज पॉसिबल, अपने पेशेंट को बोलेंगे कि अपना मुंह है जितना हो सके उतना ज्यादा ओपन कर ले। एक ये पोजीशन होगी, और दूसरी पोजीशन अपनी क्या रहेगी, क्लोज माउथ की। पेशेंट इंस्ट्रक्टेड टू कीप द बैक टीथ टूगेदर एंड नॉट द फ्रंट टीथ, अब अपने पेशेंट को इंस्ट्रक्टेड बोलेंगे, यानी आदेश देंगे कि अपने जो बैक टीथ है उन दोनों को आपस में मिला ले, यानी जो अपने पीछे के लास्ट के दांत होते हैं उनको आपस में मिला ले, एंड नॉट द फ्रंट टीथ, और आगे के दांतों को नहीं मिलाना है। ये कौन सी पोजिशन हो जाएगी अपनी, क्लोज माउथ। देखो पेशेंट को क्या बोलेंगे कि अपने दो पीछे के दांतों को आपस में मिला ले और आगे के दांतों को ना मिलाए, तो वो कौन सी पोजीशन हो गई, क्लोज माउथ की। उसके बाद आती है पोजीशन ऑफ कैसेट, कैसेट की पोजीशन क्या होनी चाहिए। तो नॉर्मली अपनी स्कल की व्यू में कैसेट की पोजीशन कहाँ रहती है, वर्टेक्स से 1 इंच ऊपर। तो वही इसमें है, देखो कैसेट अपर बॉर्डर शुड बी 1 इंच अबव टू द वर्टेक्स ऑफ स्कल, कैसेट की अपर बॉर्डर कहाँ रहती है, स्कल के वर्टेक्स से 1 इंच ऊपर। अब लास्ट में अपने बात करते हैं सेंटरिंग की, सेंटरिंग कहाँ होनी चाहिए, ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल रे ओवर द 2 इंच अबव एंड 2 इंच इन फ्रंट ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटोरी मीटर्स, सेंटरिंग कहाँ होगी, 2 इंच ऊपर और 2 इंच आगे, किससे, जो अपना एक्सटर्नल ऑडिटोरी मीटर्स होता है, एट एन एंगल 25 डिग्री टूवर्ड्स द फिट। अपने सेंटरिंग करने के बाद क्या करें, 25 डिग्री का एंगल देते हैं ट्यूब में फिट की तरफ। सेंटरिंग दोबारा देखो, सेंटरिंग कहाँ करेंगे, एक्सटर्नल ऑडिटोरी मीटर से 2 इंच ऊपर और 2 इंच आगे की तरफ, और फिर ट्यूब में एंगल देते हैं 25 डिग्री का फिट की तरफ, यानी काउडियल एंगल। ये देखो ये कौन सा व्यू अपना, ओपन माउथ व्यू, और ये कौन सा हो गया, क्लोज माउथ व्यू। सेंटरिंग देखो कहाँ रखी है, 2 इंच ऊपर 2 इंच आगे इस पार्ट्स में, ठीक है। ये देखो यहाँ सेंटरिंग आ रही है, और ट्यूब में एंगल कितना है, 30 डिग्री का। तो इसमें देखो अपने 30 डिग्री 25 डिग्री के समथिंग एंगल रखते हैं।
देखो यहाँ पे बताया गया है, इस नीचे वाले डायग्राम में देखो पेशेंट की क्या लेटरल पोजीशन में है, लेटरल ऑब्लिक पोजीशन में, हल्का सा पीछे से हेड उठा हुआ है, और सेंटरिंग कहाँ की है, इस पार्ट में देखो, एक्सटर्नल ऑडिटोरियमीटर से 2 इंच ऊपर और 2 इंच आगे। इस पार्ट में सेंटरिंग करने के बाद क्या किया, ट्यूब को 30 डिग्री या 25 डिग्री का एंगल दे दिया, तो ये कौन सा व्यू हो गया अपना, लेटरल ऑब्लिक व्यू 25 डिग्री काउडियल एंगल के साथ। ओपन माउथ में पेशेंट को बोलेंगे जितना माउथ ओपन हो सकता है उतना ओपन करें, और क्लोज माउथ में क्या बोलेंगे पेशेंट को, कि पीछे के दांतों को आपस में मिला ले और आगे के दांत टच में ना रखे। तो ये अपना ओपन माउथ और ये क्लोज माउथ हो गया। अब बात करेंगे रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस की, रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस क्या आएगा, यानी पूरी इमेज अपनी तैयार होगी तो अब अपने को इमेज में क्या क्या दिखाई देगा। अपन ने किस लिए व्यू किया था, टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट देखने के लिए, यानी TM ज्वाइंट देखने के लिए। तो द TM ज्वाइंट यानी टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट ऑफ द साइड नियरेस्ट द फिल्म इज सीन अबव द शेडो ऑफ द ऑपोजिट ऑफ द टेम्पोरल ज्वाइंट। अपने को टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट क्लियरली सीन होगा कौन सा, जो फिल्म के टच में होगा, और जो ऑपोजिट साइड में टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट होता है उसकी भी शेडो अपने को लगभग दिखाई देती है। द पेट्रस पोर्शन ऑफ द टेम्पोरल बोन इज सुपरइम्पोज्ड ऑन द टेम्पोरल ज्वाइंट। जो टेम्पोरल बोन का पेट्रस पोर्शन होता है वो क्या है, टेम्पोरल ज्वाइंट को तो हल्का सा सुपरइम्पोज करता है। तो रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस में क्या दिखाई दिया, TM ज्वाइंट अपने को यानी टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट सीन हो गया, और उसके ऑपोजिट साइड का TM ज्वाइंट भी लगभग सीन होता है। और पेट्रस पोर्शन ऑफ टेम्पोरल बोन TM ज्वाइंट पे सुपर इम्पोज रहेगा। ये देखो फिल्म में दिखा रखा है, ये किसका है, क्लोज माउथ का, और ये क्या है, ओपन माउथ का। तो क्लोज माउथ में देखो ये अपने टेम्पोरल बोन है, ध्यान से देखो टेम्पोरल बोन अपने को क्लियरली सीन हो रही है, और इसके अंदर क्या, ये देखो मैंडिबल बोन जुड़ी हुई है, कोंडाइल्स जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं, TM ज्वाइंट। ये अपना पूरा टेम्पोरल मैंडिबुलर ज्वाइंट बन रहा है, ये एक्सटर्नल ऑडिटोरियमीटस यहाँ दिखा रखा है। क्लोज माउथ में सॉरी ओपन माउथ में देखो, ओपन माउथ में क्या होता है, जब अपने पूरा मुंह ओपन करते हैं तो ये जो मैंडिबल फोसा होता है, टेम्पोरो मैंडिबुलर फोसा, इसके अंदर से जो मैंडिबल बोन का कोंडाइल पार्ट है वो क्या है, बाहर निकल जाता है जब माउथ ओपन होता है, और ये टेम्पोरो मैंडिबुलर फोसा अपने को यहाँ सीन होगा, और ये क्या है, मैंडिबल बोन का कोंडाइल्स फोसा से साइड में दिखाई दे रहा है। ये देखो यहाँ क्या है, टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट पूरा क्लियरली सीन होगा, यहाँ क्या है, कोंडाइल्स बाहर दिखाई देगा। ये हो गया अपना क्लोज माउथ का, और ये हो गया ओपन माउथ का। अब नेक्स्ट अपने बात करते हैं एक्सपोजर की, एक्सपोजर कितना रखेंगे, डिस्टेंस अपने इसमें रखते हैं 90 to 100 सेंटीमीटर, केवी कितना रखेंगे 70, अमेस रखते हैं 60, और ग्रिड का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट व्यू अपना आता है AP व्यू, जिसको अपने क्या बोलते हैं, फ्रंटो ऑक्सीपिटल व्यू। ये भी क्या है, ओपन माउथ में होगा, इसमें क्या 35 डिग्री का एंगल काउडियल एंगल रहेगा। इसके इंडिकेशंस की बात करें तो इंडिकेशंस वही है, टू डेमोस्ट्रेट दैट ट्रोमा एंड पैथोलॉजीज कंडीशन, टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट्स की ट्रोमा और पैथोलॉजी कंडीशन को चेक करने के लिए। कैसेट साइज इसमें अपना क्या रहता है, 8 10 और 10 12। नेक्स्ट अपने बात करते हैं पोजीशन ऑफ पेशेंट की, पेशेंट की पोजीशन क्या रहेगी, तो पेशेंट सुपाइन ऑन एक्सटेबल इंट्रू AP पोजीशन। पेशेंट क्या है, एक्सटेबल पे सुपाइन पोजीशन में लेटेगा AP पोजीशन में, चिन इज टिल्टेड स्लाइटली डाउनवर्ड्स टूवर्ड्स द चेस्ट, चिन को क्या हल्का सा नीचे करते हैं ताकि पेशेंट क्या पूरा AP पोजीशन में आ जाए।
पेशेंट ऑर्बिटोमीटर लाइन इज परपेंडिकुलर टू द टेबल। पेशेंट की ऑर्बिटोमीटर लाइन क्या है? टेबल से परपेंडिकुलर रहती है। ऑर्बिटोमीटर लाइन कौन सी होगी? ऑर्बिट से एक्सटर्नल ऑडिटोरीमीटर तक आने वाली लाइन। नेक्स्ट है, पेशेंट ईयर पिना आर इक्वल डिस्टेंस टू द टेबल। पेशेंट की जो ईयर पिना होगी वो टेबल से इक्वल डिस्टेंस पे रहनी चाहिए, यानी क्योंकि फिक्स अपनी लेटरल पोजीशन हो जाती है, बिल्कुल फेस सीधा रहेगा, तभी क्या दोनों ईयर पिना टेबल से इक्वल डिस्टेंस पे रहेगी। पेशेंट मिडल सजाइटल प्लेन परपेंडिकुलर टू द टेबल। पेशेंट का मिडल सजाइटल प्लेन क्या है? टेबल से परपेंडिकुलर रहेगा। पेशेंट इंट्रा ऑर्बिटल लाइन और इंट्रा प्यूपिलरी लाइन आर पैरेलल टू द टेबल। पेशेंट की इंट्रा ऑर्बिटल और इंट्रा प्यूपिलरी लाइन जो कि दोनों एक ही होती है, इंट्रा ऑर्बिटल मतलब ऑर्बिट्स को मिलाने वाली लाइन, इंट्रा प्यूपिलरी मतलब प्यूपिल्स को आपस में मिलाने वाली लाइन, टेबल से पैरेलल रहेगी, यानी टेबल के समांतर रहती है। इमोबिलाइज द हेड बाय नॉन रेडियो ओपेक पैड्स एंड सैंड बैग। हेड को इमोबिलाइज यानी स्थिर करने के लिए अपने क्या है, नॉन रेडियो ओपेक पैड्स का या सैंड बैग्स का यूज में लेते हैं। उसके बाद देखो, द माउथ ओपन एज मच एज पॉसिबल। अब अपने क्या करेंगे, पेशेंट का माउथ पूरा ओपन करवा देंगे, जितना कि ओपन हो सकता है। उसके बाद अपने बात करते हैं पोजिशन ऑफ कैसेट की। कैसेट की पोजिशन क्या रहेगी, जो कि अपने नॉर्मल स्कल के व्यू में रहती है। कैसेट अपर बॉर्डर शुड बी 1 इंच अबव टू द वर्टेक्स ऑफ स्कल। कैसेट की अपर बॉर्डर कहाँ रहती है? स्कल के वर्टेक्स पार्ट से 1 इंच ऊपर की तरफ। नेक्स्ट अपने बात करते हैं सेंटरिंग की। तो सेंट्रल रे ओवर द मिड लाइन एट द इंट्रा ऑर्बिटल लाइन विद ट्यूब एंगल 35 डिग्री टू द फुट, यानी काउडियल एंगल। सेंटरिंग कहाँ पे होगी? अपनी मिड लाइन पे। किसकी मिड लाइन पे? इंट्रा ऑर्बिटल लाइन की मिड लाइन में, यानी उन इंट्रा दोनों ऑर्बिट्स के मिड पॉइंट में। और ट्यूब में एंगल कितना देंगे? 35 डिग्री फुट की तरफ। फुट की तरफ एंगल को अपने क्या बोलते हैं? काउडियल एंगल। तो इंट्रा ऑर्बिटल लाइन के मिड लाइन पे सेंटरिंग करेंगे और ट्यूब में 35 डिग्री का एंगल देंगे, काउडियल एंगल। ये सेंटरिंग अपने पहले कहाँ हुई थी? ये सेंटरिंग हुई थी अपने टाउन्स व्यू में। टाउन्स व्यू भी क्या होता है? एपी व्यू होता है। उसमें क्या 35 डिग्री की जगह 30 डिग्री ही एंगल रहता है, जिसमें अपने को क्या स्कल्स की बोन दिखाई देती है। जब अपने इसी को 35 डिग्री एंगल कर देते हैं तो अपने को टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट्स भी बिना सुपर इम्पोज हुए दिखाई दे जाता है। नेक्स्ट अपने बात करेंगे रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस की, यानी अपने को रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस क्या दिखाई देगा। टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट इज सीन आइदर साइड। जो अपना टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट है वो अपने को दोनों साइड में क्लियरली सीन होता है। मैंडिबल एंड फेशियल बोन आर सुपर इम्पोज ऑन द बेस ऑफ स्कल। जो अपना मैंडिबल है वो मैंडिबल बोन और फेशियल बोन्स बाकी वो क्या स्कल के बेस पे सुपर इम्पोज करती है। इसमें अपने ये भी बोल सकते हैं कि दोनों ऑर्बिट्स दिखाई दे रहे हैं, पेक्टोरस पोर्शन ऑफ टेम्पोरल बोन भी दिखाई दे रहा है, ऑक्सीपिटल बोन, ऑक्सीपिटल फोरामिना, ये अपने को सारे सीन होते हैं। नेक्स्ट अपने बात करेंगे इसके एक्सपोजर की। एक्सपोजर क्या रहेगा? तो इसमें डिस्टेंस रहेगी 90 टू 100 सेंटीमीटर। केवी रखेंगे अपने 70, एमएस देंगे 60 और ग्रिड का यूज करेंगे। आगे देखो अपने डायग्राम में दिखाया गया, यहाँ ऊपर वाले डायग्राम में देखो पेशेंट क्या है, एपी पोजीशन में लेटा हुआ है, जिसके अपने सेंटरिंग कहाँ करते हैं?
दोनों ऑर्बिट्स के बीच में, यानी इंट्रा ऑर्बिटल लाइन के मिड लाइन में, और फिर ट्यूब में एंगल देते हैं 35 डिग्री या 30 डिग्री का। तो ये जॉइंट्स एंगल्स कहाँ पे हो जाता है? टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट्स पे। टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट्स पे एंगल हो गया तो अपने क्या टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट्स दिखाई दे जाएगा। नीचे देखो अपने को एक्सरे फिल्म दिखाई गई है, इसमें ये क्या है, यहाँ पे देखो टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट क्लियरली सीन हो रहा है, और ये हल्के हल्के ऑर्बिट्स दिखाई दे रहे हैं, ये बीच में ऑक्सीपिटल फोरामिना दिखाई दे रहा है, ये मैंडिबल बोन दिखाई दे रही है, मैंडिबल बोन के जस्ट ऊपर यहाँ क्या होता है, ये देखो ईयर्स हल्के हल्के दिखाई दे रहे हैं, सॉफ्ट टिश्यू। तो इसके पास में यहाँ क्या अपना टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट जो कि अपने को सीन हो रहा है। ये हो गया अपना इसका एपी व्यू। तो अपने क्या है, एपी व्यू बिल्कुल टाउन व्यू की तरह ही होता है। टाउन व्यू में क्या 35 डिग्री का एंगल रहेगा और इसमें, सॉरी, टाउन व्यू में क्या 30 डिग्री का एंगल रहता है और इसमें 35 डिग्री का एंगल रहता है, बस हल्का सा फर्क रहता है। और लेटरल ओब्लिक व्यू, जैसे कि अपन ने मेस्टोइड सेल्स के लिए भी लेटरल ओब्लिक व्यू किया था, सेम वैसे ही करेंगे। इसमें क्या टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट्स पे सेंटरिंग, यानी उस पार्ट को देखना है तो मेन सेंटरिंग उसी पार्ट के लिए करेंगे। मेस्टोइड सेल्स देखनी है तो भी अपन ने क्या सेंटरिंग वहीं की थी, बस एक्सपोजर को थोड़ा कम रखते हैं। मेस्टोइड सेल्स को देखना है, वो क्या है एयर सेल्स होती है, तो एक्सपोजर हल्का सा कम करेंगे। तो टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट्स के साथ में अपने को मेस्टोइड सेल्स भी दिखाई देती है। जो अपन मेस्टोइड सेल्स का व्यू करते हैं उसमें अपने को टीएम जॉइंट दिखाई देता है, और जो टीएम जॉइंट का व्यू करें उसमें अपने को मेस्टोइड सेल भी दिखाई देती है। पर अपने यहाँ क्या है टीएम जॉइंट्स का व्यू करें तो मेन फोकस किस पे करना है, टीएम जॉइंट्स पे। ये देखो यहाँ पे अपने को दिखाया गया है जो अपना टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट सीन हो रहा है, इसके पास में क्या है एक्सटर्नल ऑडिटोरी मीटस सीन हो रहा है। एक्सटर्नल ऑडिटोरी मीटस के बिल्कुल क्या है पीछे के पार्ट में कौन सा होता है अपना, एयर कैनाल्स होती है, वो एयर कैनाल्स भी अपने को दिखाई दे रही है। ये क्या है एक्सटर्नल ऑडिटोरी मीटस, यानी अपना एयर कैनाल आ गया, इसके आगे क्या है टीएम जॉइंट, यानी फेस कहाँ है पेशेंट का, इस साइड में, ये क्या क्लोज माउथ के लिए, और पीछे ये देखो ये क्या दिखाई दे रही है एयर सेल्स, और इसमें ओपन माउथ का है तो ये क्या है कॉन्डाइल्स बाहर चला गया है टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, यानी हल्का सा बाहर चला गया ओपन माउथ होने के कारण। ये क्या है एक्सटर्नल ऑडिटोरी मीटस, और ये पीछे क्या है अपने को एयर सेल्स भी दिखाई दे रही है। तो मेस्टोइड का लेटरल ओब्लिक व्यू उसी में, और टेम्पोरल का लेटरल ओब्लिक व्यू सेम रहता है, अपने जिस पार्ट्स का व्यू कर रहे हैं उस पार्ट्स पे ज्यादा फोकस करते हैं। ये अपना क्या है टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट्स के व्यू कंप्लीट होता है। टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट्स नाम याद रखना, टेम्पोरल और मैंडिबुलर जॉइंट मैंडिबल बोन के बीच में बनता है। थैंक यू।